नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको गुलाब का शरबत बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैं गुलाब का सूखा शरबत बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे आपको दे दूंगी। तो सूखा शरबत जो मैंने बताया था वो आप कितने ही समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप बना के पी सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको मैं लिक्विड में बताने वाली हूँ, आप किस तरह गुलाब का शरबत आसानी से घर पे बना सकते हैं। और ये रेसिपी हमसे विनोद गुनेचा जी ने कमेंट में पूछी है कि आप हमें इसकी रेसिपी बताइए। तो चलिए बनाते हैं गुलाब का शरबत। तो ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, जिसको मैंने इस तरह पंखुड़ियों को अलग कर लिया है। और ये 250 ग्राम है वजन में, तो आप गुलाब लाएं तो उनका वज़न करवा लें ताकि आपको ध्यान रहे ये कितने हैं। तो उसके बाद में इस तरह पंखुड़ियों को अलग कर लेना है। इसके बाद में पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे पंखुड़ियों को, क्योंकि जो गुलाब होते हैं उसमें भी आजकल दवाई डालते हैं, तो हर चीज़ में आजकल दवाई ज़्यादा डालना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धो के हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद में इस तरह छलने में निकालते हैं ताकि जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह धो के डाल देना है अच्छे से। इसके बाद में ये दो मैंने चुकंदर लिए हैं, जिसको अच्छे से धो लिए हैं। अभी इनका छिलका हटा देंगे। तो छिलका हटाने के बाद में एक बार वापस मैं धो के फिर इस तरह कटिंग कर लिया ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो एक जार में डालेंगे और साथ में कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ डाल देंगे। साथ में हल्का पानी डाल देंगे। तो इस तरह का पेस्ट बना लेना है। पानी हल्का सा ही मैंने डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। एक बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी भी हम इसी तरह पीस लेंगे। तो इस तरह बना के तैयार कर लिए हैं, अभी इसे रख देते हैं साइड में। इसके बाद में मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो पतीला ले सकते हैं। कढ़ाई में चीनी डाल रही हूँ, एक गिलास, ये दो गिलास और ये ढाई गिलास। तो ये पूरी चीनी 750 ग्राम है, तो ये ढाई गिलास मैंने चीनी का माप किए हैं। तो वैसे आप वजन में ला रहे हैं तो वजन करा के ला रहे हैं, तो आप 750 ग्राम चीनी वजन करके ले सकते हैं। अभी हम एक गिलास पानी डालेंगे, गैस को जला देंगे और जो कढ़ाई है वो गैस के ऊपर रख देंगे और बराबर हम एक साथ चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो नीचे नहीं रहे और अच्छे से घुल जाए। तो चीनी घुलने तक हम इस तरह लगातार चलाएंगे, बाद में हम बीच बीच में चला सकते हैं, लेकिन चीनी घुलने तक इसलिए चलाना है क्योंकि चीनी भी बड़े दाने की आती है तो वो नीचे बैठ जाती है, फिर जल्दी नहीं घुलती है। अगर आप इस तरह घुमाते रहेंगे तो वो जल्दी घुल जाती है। इस तरह लगातार सब घुमा देना है ताकि चीनी जल्दी घुल जाए। तो चीनी घुलने के बाद में एक से दो मिनट ही हम पकाएंगे। और ये देखिए अच्छे से चीनी घुलने के बाद में अच्छे से उबाला आने लग गए हैं। और ये देखिए हल्की चाशनी में गाढ़ापन भी आने लग गए हैं। इसके बाद में एक नींबू लिए हैं मैंने, तो नींबू का रस निकाल देंगे। तो मैंने नींबू का रस डाल दिए हैं और एक इससे क्या होता है, गुलाब का जो शरबत है वो भी ख़राब नहीं होता, तो नींबू का रस आप अवश्य डालें। तो एक गिलास मैंने पानी लिया है, इसको गर्म करना है।
जो पानी गर्म रखा था वो भी गर्म हो चुके हैं, अभी हम गैस बंद कर देंगे। तो जो गर्म पानी है वो हल्का हल्का हम चाशनी में डालेंगे, फिर रोकेंगे, फिर हल्का डालेंगे, फिर रोक देंगे। तो ऐसे करते हुए हमें जो पूरा पानी है वो डाल देना है, जो एक गिलास मैंने लिए हैं। इसके बाद में ये मैंने 250 ग्राम गुड़ लिए हैं, गुड़ को बारीक कर लेना है और इसके बाद में चाशनी में डाल देना है। तो गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देना है घुलने तक। और जो हमने गर्म पानी डाला था वो इसीलिए डाला था क्योंकि हमें गुड़ डालना था, पानी कम नहीं रहे। गुड़ अच्छे से घुल गए हैं आप देख सकते हैं, और ये देखिए। तो इस तरह गुड़ घुलने के बाद में अभी हमने जो गुलाब की पंखुड़ियाँ और ये सब पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे साथ में। तो गुलाब और चुकंदर डालने के बाद में 5 से 6 मिनट हमें और पकाना है, ताकि जो हमने पीसते समय जो पानी डाला था वो भी जल जाए और चाशनी हल्की हमें गाढ़ा बन चाहिए, बिल्कुल पतली भी नहीं चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी भी नहीं चाहिए। और मैंने आँच को फुल कर रखा है, कम आँच में कर रखी मैंने। और नींबू डाला है, नींबू डालने से क्या होता है जो हम चाशनी बनाते हैं वो नहीं तो वो वापस फिर चीनी बन जाती है अगर नींबू नहीं डालेंगे तो, इसलिए नींबू डालना ज़रूरी है नहीं तो चाशनी जम जाती है। और गुड़ इसलिए डालना है कि गुड़ से भी शरबत ख़राब नहीं होता और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा माना जाता है, तो अलग से आपको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ख़राब होने से भी बचाता है गुड़, इसलिए मैंने डाला है। स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है शरबत का। तो इस तरह हमें और पकाना है गाढ़ा होने तक, लगातार हमें इस तरह घुमाते रहना है ताकि नीचे से जले भी नहीं। अभी ये इतना गाढ़ापन आ गया है आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ापन हमें चाहिए क्योंकि जैसे ठंडा होगा वैसे गाढ़ापन और आ जाएगा। इसके बाद में कुछ मैंने इलायची ली है शरबत का स्वाद बढ़ाने के लिए, तो इलायची के दाने डाल देंगे साथ में। और कुछ मैं ये केसर डाल रही हूँ, तो आप चाहते हैं तो डालें अगर आपको पसंद है, अगर आपके पास में है तो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप केसर डालें, हल्का सा खुशबू के लिए मैंने डाला है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे केसर में और इलायची को भी। अभी अच्छे से शरबत हमारा पक के तैयार है, तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद में हल्का ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, और इसके बाद में छान लेंगे। और ये मैंने लोहे की छन्नी ली, आप चाहे तो आटे की छन्नी ले सकते हैं, उससे छान सकते हैं क्योंकि हल्का गर्म है अभी, प्लास्टिक की छन्नी नहीं लेना। और हल्का गर्म हम छानते हैं तो आसानी से छन जाता है। और इस तरह छानने के बाद में फिर अच्छे से ठंडा कर लिया मैंने, और फिर ठंडा होने के बाद में आप बोतल में डालें। ये मैंने कांच की बोतल ली है जिसे धो के सुखा लिया था मैंने, इसकी जगह आप प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद शरबत फिर आप बोतल में डालें, क्योंकि अगर गर्म गर्म आपने कांच की बोतल में डालेंगे तो फिर कांच की बोतल फट जाती है, और प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो बोतल में डालने से पहले अच्छे से ठंडा कर लें फिर डालें। तो इस तरह से गुलाब का शरबत तैयार हो गया है बगैर किसी कलर डाले। और एक गिलास में शरबत डालेंगे, और शरबत डालने के बाद में बर्फ़ डाल देंगे और फिर ऊपर से ठंडा पानी डाल के अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद में अलग से एक गिलास लिया है, उसमें शरबत डाल के दूध डाल रही हूँ मैं, दूध गर्म करके फिर ठंडा करके फिर डाल रही हूँ, और अच्छे से मिला देना है। और इसके बाद में फिर ऊपर से हम बर्फ़ डाल देंगे। और इस तरह मैंने बर्फ़ डाल दी है, आप अपने हिसाब से बर्फ़ कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इस तरह हमारा शरबत जो है वो तैयार हो गया है। तो शरबत को मैंने कांच की बोतल में डाला है, आप कांच की बजाय प्लास्टिक की बोतल में भी डाल सकते हैं। और अगर आप फ्रिज के बाहर रखते हैं तो 15 दिन तक ये टिक जाता है, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो महीने भर टिक जाता है, क्योंकि इसमें मैंने अलग से कोई केमिकल ऐसा नहीं डाला जो कि शरबत को ख़राब होने से बचाता हो। तो अगर हम
ऐसा कोई केमिकल डालते हैं तो वो खराब होने से बचाएगा, लेकिन उतना ही हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो भी ज़्यादातर मैं चीज़ें बनाती हूँ तो कोई केमिकल वाली ऐसी मैं नहीं डालती, जिसमें एसेंस वगैरह डाल दिया या कोई खुशबू डाल दिया अलग से, तो ऐसी चीज़ें मैं खास तौर से नहीं डालती हूँ। जो चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें हमें भगवान ने दी है वो चीज़ें मैं डाल के बनाने की कोशिश करती हूँ, उसको अच्छे से ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो हमारे सेहत के लिए भी गुणकारी हो और अच्छा हो और हमें गर्मी में राहत मिले। तो आप कोई भी बोतल में इसे डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।